आज देश के सबसे बेहतरीन कमेंटेटर और सबसे हसमुख हस्ती नवजोत सिंह सिद्धू को तो आप सभी जानते होंगे। एक समय पर ये देश के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू हमारे देश के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कैसे बन पाए थे। नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला पंजाब में हुआ। सिद्धू के पिता सरदार भगवंत सिंह एक क्रिकेट प्लेयर थे और वो यही चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धू देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। सिद्धू दूसरी तरफ घर में सबसे छोटे और सबसे शरारती हुआ करते थे। उनसे चाहे कितना भी मजाक और मस्ती करा लो पर वो थकते नहीं थे। सिद्धू के पिता उन्हें रोज 4 बजे उठाकर जॉगिंग पे जाने के लिए भेजते थे, पर सिद्धू अपने घर के नौकरों को 20 रुपए देकर फिर सो जाते थे और जब उनके पिता लौट कर आते थे तो वो अपने ऊपर पानी की छींटे मार लेते थे ताकि उनके पिता को लग सके कि सिद्धू काफी मेहनत करके आया है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा जब वो अपने पिता को धोखा देकर सो जाते थे। शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे, फिर लौट कर प्रैक्टिस भी करते थे, पर प्रैक्टिस पे रेगुलरिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। प्रैक्टिस पर लेट पहुंचना तो सिद्धू के लिए जैसे आम बात हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद इसी तरह चलते चलते उन्होंने बड़ी मशक्कत से इंडिया की टीम में अपना सिलेक्शन भी करवा लिया, पर पहले ही मैच में उनकी बैड परफॉर्मेंस ने उन्हें टीम के बाहर करा दिया। उसके अगले दिन जब वो बाथरूम से नहाकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की आंखों में आंसू और हाथ में न्यूज़पेपर था। अपने पिता की आंखों में आंसू देख उन्हें बहुत बुरा लगा तो उन्होंने अपने पिता के जाने के बाद वो न्यूज़पेपर अपने हाथ में लिया और अपने रूम में आ गए। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस के राइटर राजन बाला ने यह लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। और इसी के साथ उसी आर्टिकल में सिद्धू की बैटिंग का खूब मजाक भी उड़ाया था। सिद्धू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तभी वो आर्टिकल न्यूज़पेपर से फाड़ा और अपनी अलमारी में चिपका दिया। ये वो दिन था जिसके बाद सिद्धू ने द नवजोत सिंह सिद्धू बनने की ठान ली थी। उन्होंने उस दिन नम आंखों से ये प्रतिज्ञा ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर वो टीम इंडिया में सेलेक्ट होकर ही दिखाएंगे। वो अगले दिन की सुबह से ही रनिंग करने के लिए जाने लगे। वो खूब प्रैक्टिस करने लगे, बल्कि प्रैक्टिस में वो दिन के 300 छक्के भी लगा दिया करते थे, जिसके बाद से ही उनको नाम मिला सिद्धू सिक्सर। इसी बीच उनके हाथों में छाले भी निकलते थे पर वो कभी हार नहीं मानते थे, क्योंकि किसी की भी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना ही नहीं, रात को वो घर आकर अपनी पॉकेट मनी से चॉकलेट खरीदकर बच्चों में बांट देते थे ताकि वो बच्चे उन्हें बॉलिंग कर उनकी प्रैक्टिस करा सकें। कभी कभी वो रात के 1 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और रात में उन्हीं बैटिंग पैड्स को पहनकर भी सो जाते थे। इसी बीच उनके पिता की डेथ हो गई। उन्हें इस बात से बड़ा धक्का लगा। तब सिद्धू की वाइफ ने सिद्धू का मनोबल बढ़ाया और उनसे कहा कि अभी तुम्हें अपने पिता के सपने को पूरा करना है। सिद्धू ने इसके बाद 4 सालों तक प्रैक्टिस करी, जिसके बाद उनका फाइनली टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया और उन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप में 5 हाफ सेंचुरीज और 29 छक्के लगाए, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक किसी बल्लेबाज ने तोड़ा नहीं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने करियर में सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद एक दिन वो फ्लाइट में दुबई जा रहे थे जब रवि शास्त्री ने उन्हें एक न्यूज़पेपर दिया और सिद्धू से कहा कि तुम इस न्यूज़पेपर को पढ़ो। उस न्यूज़पेपर में उसी राजन बाला का एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम अ स्ट्रोकलेस वंडर टू अ पाम ग्रोव हिटर। उस आर्टिकल को देख सिद्धू की आंखों से आंसू छलकने लगे और वो पल सिद्धू की जिंदगी का आज तक का सबसे महत्वपूर्ण पल था। इसके बाद सिद्धू ने इंडिया के लिए बहुत सालों तक बल्लेबाजी करी और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे।